वैल्यूज आएंगी -6 एंड -7. यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ टी विच इज -6 एंड -7. अब एक बार टी की वैल्यू, हाँ बोलो क्या हुआ सर? अगर हम लोग 1 को LHS पे ले आते तो और सिंपल हो जाता. तो 1 को LHS पे लेके आते तो यहाँ पे 5 बनता ना, 7 नहीं बनता सर. लेकिन उसके आगे माइनस साइन है ना, उस ब्रैकेट. अच्छा. के आगे ऐड हो जाता. सही बात. चलो खैर कोई नहीं. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, सॉरी x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 6. या हाँ साउंड बंद करो, x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 7. इससे जो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया. सो x की दो वैल्यू आ गई 2 एंड 3. और यहां से जो x की वैल्यू आएगी, यहां से जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो इससे x की कैसी वैल्यू आएगी? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स 5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. मतलब कहां पे लिखे, यहां पे लिखते हैं 5 प्लस माइनस i रूट 3 बाय 2. ठीक है, तो देखो 4x की वैल्यू हुई कि नहीं हुई, 1, 2, 3, 4, 4 रूट्स हो गए. और ये जो इक्वेशन था, अगर तुम देखते हो तो ये डिग्री 4 का इक्वेशन था. इसको अगर एक्सपेंड करते होल स्क्वायर को तो कैसे टाइप का इक्वेशन बनता? डिग्री 4 का. तो डिग्री 4 के इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? हमेशा 4 रूट्स होंगे. तो हमारे को 4 रूट्स दिख गए, वो कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 प्लस आई रूट 3 बाय 2 एंड 5 माइनस आई रूट 3 बाय 2. अंडरस्टूड दिस? यस सर. हाँ सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए. यस सर. सर दो मिनट. ओके, लेट्स राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. सर हो गया. चलो ये क्वेश्चन, तो इस स्टाइल के तो क्वेश्चंस काट चुके हम लोग. हाँ एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं.
कुछ लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, कुछ लोगों ने नहीं किए, है ना? आंसर ओके, कितने लोग का हो गया सॉल्व? मेरा हो गया जीरो, आंसर जीरो माइनस थ्री और माइनस सेवन आ गया। अच्छा देखो, अब हम लोग क्या रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसका और इसका सम, वन प्लस फोर कितना होता है? फाइव होता है, एंड टू प्लस थ्री ये कितना होता है? फाइव होता है। अब जब तुम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एक्स, मतलब फाइव एक्स प्लस फोर। और जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 24। अब इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस को हम लोग टी मान लेंगे, तो आई विल गेट टी प्लस फोर इंटू टी प्लस सिक्स इज इक्वल टू 24। सो टी स्क्वायर प्लस टेन टी प्लस 24 इज इक्वल टू 24। तो ये 24 और ये 24 कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर मतलब माइनस टेन टी, इससे t की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई जीरो और एक आ गई माइनस टेन। अच्छा t क्या था हमारा? x स्क्वायर प्लस फाइव एक्स था, मतलब या तो x स्क्वायर प्लस फाइव एक्स जीरो हो जाए या माइनस टेन हो जाए। अब देखो, यहां से अगर तुम x कॉमन ले लो तो इससे x की वैल्यू एक जीरो आ गई और एक माइनस फाइव आ गई, और यहां से x की कैसी वैल्यू आ रही होती? माइनस टेन माइनस फिफ्टीन, बताओ नॉन रियल रूट्स आ रहे होते, कॉम्प्लेक्स रूट्स। देखो ना डिस्क्रिमिनेंट, देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी नेगेटिव हो रहा होता, तो यहां से जो x की वैल्यू आ रही होती माइनस फाइव प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 14, सो माइनस 5 प्लस माइनस आई रूट 15 बाय 2। तो हमारे एक्स की दो वैल्यू इधर से आती और दो वैल्यू इधर से आती, टोटल एक्स की कितनी वैल्यू होती है हमारी? चार वैल्यूज, और चार वैल्यूज होनी भी चाहिए थी, चार रूट्स होने भी चाहिए थे एक्स के। क्यों चार रूट्स होने चाहिए थे? पावर फोर है, बताओ बच्चों। इसके चार रूट्स, एक डिग्री फोर का इक्वेशन बन रहा होता, और डिग्री फोर के इक्वेशन के चार रूट्स होते हैं। अभी बहुत लैग कर रहा है सर यार, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हेलो सर। हाँ, वीडियो लैग हो गया सर। एक मिनट रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, एकदम से लैग हो रहा है। हाँ सर। कल के हाँ नहीं नहीं पहले मैंने आज ट्राई उसी पे किया था। मैंने शुरुआत में जो है, मैं मतलब तुम लोग के लेक्चर के पांच मिनट पहले जो है मैं उसी पे ट्राई कर रहा था, तो उस पर फोकस ही नहीं हो पा रहा था। आज बैंडविड्थ ही लो है, मतलब नेट का ही इशू है, तो फिर इसलिए मैं आज बोर्ड पे आया, नहीं तो मेरे को उसमें ज्यादा आराम पड़ता है।
बैठ के पढ़ाना जाता है। तो मोबाइल तो क्या करें यार। हाँ मोबाइल डेटा ट्राई करके देखो। सब ट्राई कर चुका हूँ मैं, मतलब तुम समझो ना कि मैं दो क्लास ऐसे ही ले चुका हूँ भी इससे। चलो एक बार मोबाइल डेटा ट्राई करता हूँ। सर थोड़ा ठीक है अभी, ब्लर है पर। हाँ सर मतलब वीडियो लैग नहीं हो रहा लेकिन बोर्ड बहुत ब्लर आ रहा है। एक मिनट, एक बार किसी ने बताया कि वाईफाई को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट, वो भी करता हूँ। सर आपका बैंडविड्थ लो है। हाँ यार इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, कभी कभी लो हो जाता है। सेम फिजिक्स में भी हो रहा था आज पहले क्लास। एक्चुअली yes, हम लोग सब लोग सेम एरिया में रहते हैं तो उस एरिया में आज प्रॉब्लम आ रही है। सर मॉर्निंग से नेट काम नहीं कर रहा है, उसके वजह से रिफ्लेक्शन वो बोर्ड पे आ रहा है उसका, उसके वजह से भी दिखाई नहीं दे रहा है। रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे। वो सर रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं, वो ब्लरी ज्यादा। अभी देखो तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब ब्लर आ रहा है कि मतलब आप कॉपी भी नहीं कर पा रहे, नंबर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा सर। मेन यस सर कुछ आया है, मतलब पता भी नहीं चल पा रहा क्या लिखा है। पहले एडजस्ट था वीडियो फ्रीज हो गया सर। बेटा वाईफाई का एंटीना मेरे साइड ही है। सर अभी ठीक है, अभी ठीक हो गया। सर अभी ठीक है, अभी सब दिख रहे हैं। अभी अभी सबको दिख रहा है। यस सर बाकी सब लोग भी बताओ। यस सर ठीक से दिख रहा है। यस सर हाँ सर अभी दिख रहा है। यस सर सर अभी अच्छा है। ओके चलो ठीक है। सो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। हम लोग चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। चलो इसको सॉल्व करो।
सर इसमें रूट्स कितने चाहिए? रूट्स कितने डिग्री का बताओ? चार रूट्स। चार, तो चार रूट्स आएंगे इसके। चलो हुआ, नो सर। अच्छा यहाँ पे थोड़ा बहुत पैटर्न तो पहचान पा रहे हैं कि ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ये दोनों का भी कोफिशिएंट सेम है, ऐसा कुछ पैटर्न तो दिख रहा है। तो चलो मान लो कि अगर ये दोनों का कोफिशिएंट सेम होता लेकिन ऐसा तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाते ना हम लोग कि उससे जो है सिंगल टी के टर्म्स में आ जाता। यस सर, वही प्रॉब्लम आ रहा है, वही प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग ने ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या किया, जो मिडिल वाला टर्म है ना वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो पूरे इक्वेशन को दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या होता, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 12x स्क्वायर, इसको 56x, इसको 89, इसको -56/x और इसको 12/x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो लॉस ऑफ रूट नहीं होगा? नहीं नहीं, लॉस ऑफ रूट नहीं। अब देखो इसको इसके साथ क्लब करूं और इसको इसके साथ क्लब करूं तो क्या बन जाएगा, 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 56 टाइम्स एक्स प्लस 1/x प्लस 89। अच्छा अब ये बताओ तुम कि क्या हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को एक्स प्लस 1/x के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. देखो यस सर, एक्स प्लस 1/x प्लस माइनस एक्स माइनस 1/x सर उसका होल स्क्वायर। देखो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता, एक्स स्क्वायर 1/x होल स्क्वायर 1/x प्लस 2ab प्लस एक्स एक्स का, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 56 टाइम्स x प्लस 1/x प्लस 89 इज इक्वल टू जीरो। सो अब हम लोग ने क्या किया कि x प्लस 1/x को से t मान लिया। अब देखो ये क्वेश्चन पूरा x प्लस 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया,
So now the question gets reduced to 12t square minus 24 minus 56t plus 89 is equal to 0. So तो ये क्या बन गया 12t square minus 56t 89 minus 24 कितना होता है 65 ठीक है. अब ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा जिसको तुमको सॉल्व करना है. तो इसमें हम लोग को कितना लेके आना है 780 लेके आना है. तो 780 जो है माइनस 26 एंड माइनस 30 में ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा. ठीक है. तो इससे t की एक वैल्यू जो है वो आती तुम्हारी अगर मैं 5/2 और जो दूसरी t की वैल्यू आती 13/6. सबको समझ में आ रहा है कैसे किया हम लोगों ने? बताओ जल्दी से सब लोग. Everyone please comment. Is it clear how we are doing? थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है. Yes, sir. आना चाहिए. Yes, sir. अब जो t की वैल्यू तुम्हारी आई 5/2 एंड 13/6 उसको बारी बारी क्या करोगे? यू विल इक्वेट इट टू एक्स प्लस 1/x. ठीक है, इतना लिख लो. फिर उसके बाद इस बोर्ड को रब करके आगे बढ़ेंगे. चलो हो गया सर. एक x का 1 है, एक x का 2 है. 5/2 की वैल्यू पे रखे तो हाँ. और 13/6 में ना क्या आएगा? x प्लस 1/x अगर 13/6 होता तो 6x स्क्वायर और सर 6 और 1 आएगा. 6 और 1 नहीं आएगा, 3/2 3/2 आएगा. 3/2 ओके. सो तुम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लोगे अब? उसमें तो कुछ है नहीं. हाफ और 2 है. हाँ वो पहले वाले के लिए 5/2 के लिए. और 13/6 के लिए भी कुछ x की वैल्यू आनी है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है देखो जरा. x square minus 13x plus 15 whole upon
एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 15 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 1/12 एक्स फाइंड करना है. इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे फायदा हो? सर x स्क्वायर प्लस 15 डिवाइड बाय x कर सकते हैं. हां x स्क्वायर प्लस 15 को t मान लिया तब भी फायदा नहीं होगा ना. जैसे मान लो तुमने x स्क्वायर प्लस 15 को t माना तो फिर तो ये इक्वेशन में t भी आ जाएगा x भी आ जाएगा तो फिर तो वेरिएबल बढ़ जाएंगे. डिवाइड बाय x कर सकते हैं और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x. देखो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो हर जगह एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 15 है. तुम लोगों ने क्या किया कि जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड किया, इधर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड किया. तो देखो ये एक्स बन गया, ये 13 बन गया, ये 15 बाय एक्स बन गया, ये एक्स बन गया, ये माइनस 14, ये 15 बाय एक्स, एक्स माइनस 15 प्लस 15 बाय एक्स, एक्स माइनस 16 प्लस 15 बाय एक्स. ये समझ में आ रही है सबको बात? इज इक्वल टू माइनस 1/12. हाँ सर. अच्छा हम लोग x प्लस 15 बाय x को अब t अज्यूम कर सकते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज t माइनस 13 अपॉन t माइनस 14 t माइनस 15 अपॉन t माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 1/12. ठीक है. अब हम लोग ने क्या किया, नीचे वाले का एलसीएम वगैरह ले लिया, t माइनस 14 इंटू टी माइनस 16
इससे जो है ऐसा बन गया टी माइनस 13 इंटू टी माइनस 16 माइनस ऑफ टी माइनस 14 इंटू टी माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 1/12 इतनी बात। हाँ बोलो समझ आ गया। ठीक है अब मैं इधर मिटा रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस क्रिएट कर सकूं। अब देखो जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे ना तो इसके एक्सपेंशन से क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 2090 प्लस 16 इंटू 13 कितना होता है 160 में 48 0 208 माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2090 प्लस 15 इंटू 14 240 होल अपॉन टी माइनस 14 इंटू टी माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 1/12 तो टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस 2090 माइनस 2090 तो इससे क्या बन जाएगा देखो इससे माइनस 32 अपॉन t माइनस 14 इंटू टी माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 1/12 तो इससे t में क्वाड्रेटिक बन जाएगा तुम t की वैल्यू निकाल लोगे कर लोगे कि नहीं अब इसके आगे yes, sir. इससे yes, t की वैल्यू निकालना और t को फिर x प्लस 15 बाय x पुट कर लेना उससे क्या आएगा तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा समझे yes okay yes, so sir. I hope you will complete this question by yourself let's move forward आगे बढ़ा जाए सब लोग सबको yes. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्वेश्चन yes, किसी को कोई डाउट नो सर कमेंट करो किसी को कोई डाउट है चैट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है नहीं सबको आ रहा है ना ओके सो नाउ वन मोर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सब टॉपिक ये कौन सा टॉपिक था रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक सो हम लोग काफी एक से एक क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लासिकल क्वेश्चंस तो दिस इज आल्सो वन ऑफ देम सो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 30 ठीक है चलो हम लोग को x फाइंड करना Thank you.
चलो कैसे करेंगे, किसी को कोई आइडिया लग रहा है? एक से दो मिनट इसको टी लेंगे। हाँ इसको टी लेंगे। तो x square minus 3x को, लेकिन यहाँ पे तो x square plus 3x है और यहाँ पे x square minus 9x है, तो सारे के सारे t में कैसे कन्वर्ट होंगे? सर पहले x डिवाइड कर दे तो तब भी इतना ही फायदा आपने को, क्योंकि ये और ये तो सेम नहीं है, मतलब अगर आप माइनस थ्री बाहर निकाल लो उसके, तो माइनस थ्री अगर बाहर निकालेंगे तो फिर यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा ना, वन बाय थ्री टाइप का। वापस एक्स से डिवाइड करना नहीं। चलो अच्छा, इसमें अगर तुम देखो तो इसमें दो क्वाड्रेटिक ऐसे हैं जो स्प्लिटिंग हो सकते हैं, और वो वाला क्वाड्रेटिक, पहला वाला क्वाड्रेटिक स्प्लिट नहीं हो सकता। तो जब मैं इसको स्प्लिट करता तो ये स्प्लिट होकर क्या आ रहा होता, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अच्छा ये स्प्लिट होकर क्या आ रहा होता, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू व्हाट, माइनस थर्टी। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों का सम क्या होगा, माइनस थ्री, इन दोनों का सम क्या होगा, माइनस थ्री। तो हम लोग ने क्या किया कि इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। जब तुम इन दोनों को करते then you would have achieved x square minus 3x minus 4, और इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पे x square minus 3x minus 10 is equal to minus 30। अब कुछ समझ में आ रहा है? Yes sir। अब समझ में आ रहा है? अब हम लोग ने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को टी मान लिया। अभी भी ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि टी में एक क्यूबिक बनेगा। ठीक है ओके, तो ये क्यूबिक को इन तीनों ब्रैकेट्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा टी क्यूब, वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टेन माइनस थर्टीन टी स्क्वायर, फिर माइनस फोर माइनस टेन माइनस फोर्टीन प्लस फोर्टी प्लस ट्वेंटी सिक्स टी प्लस फोर्टी इज इक्वल टू माइनस थर्टी। ठीक है, इतनी जल्दी क्यूबिक को मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया वो मैं सिखाऊंगा, अभी हम लोग आगे क्यूबिक पढ़ेंगे ना तो उसमें सिखाऊंगा कैसे। सर अभी बताओ ना, बता दूंगा उस समय जब, मतलब उसके पीछे की थ्योरी बताऊंगा तब बताऊंगा ना। टी क्यूब माइनस थर्टीन टी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सिक्स टी प्लस 70 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम लोग को t की वैल्यू डालनी है, एक तो रूट हिट एंड ट्राई से निकालना चाहिए। तो देखो वन या माइनस वन तो ऑब्वियसली बात है नहीं हो रहा, मेरे को पता नहीं माइनस टू की फीलिंग आ रही कि माइनस टू शायद हो जाए, माइनस एट। तो ऐसे फीलिंग कैसे सर, मतलब नहीं हो रहा, माइनस टू भी नहीं हो रहा। सर आपको कैसे पता कि वन से नहीं होगा, मतलब
वन पुट करके देखा ना. अच्छा सर. वन पुट करके देखा तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि नहीं होता देख रहा. क्विकली फैक्टराइज कैसे करते हैं स्क्वायर को क्वाड्रेटिक को? क्यूबिक क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग को एक रूट तो हिट एंड ट्राय से निकालना ही पड़ेगा. एक मिनट रुको, मेरे को एक बार कैलकुलेशन चेक करने दो. टी से डिवाइड नहीं कर सकते? नहीं नहीं, टी से डिवाइड. क्यूबिक को फैक्टराइज करना सिखाया था ना मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में. माइनस 13 टी स्क्वायर सर 5 से हो रहा है. 5 से हो रहा है क्या? हाँ. 125 माइनस 25 इनटू 13 कितना होता है? 325. 26 इनटू 5 130 प्लस 70 तो ये दोनों 200. हाँ 5 से हो रहा है. ओके t इज इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो t इज इक्वल टू 5 क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक फैक्टर t माइनस 5 हो गया. ठीक है. फिर उसका दूसरा फैक्टर लिखने के लिए एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाई थी मैंने, याद है? दूसरा फैक्टर लिखने के लिए या तो हाँ साउंड बंद करो. कौन है भाई, कितने लोग के साउंड आओ. टी स्क्वायर माइनस 80 माइनस 14 इज इक्वल टू 0. ठीक है. और अगर ये शॉर्टकट टेक्निक नहीं याद है तो हम लोग क्या करते थे, इस क्यूबिक को इससे डिवाइड कर देते थे. सर पहले तो आ गए वो शॉर्टकट से, माइनस 14 शॉर्टकट से कैसे आता था सर? मैं थोड़ा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, मतलब माइनस 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो जिससे 70 बन जाए, तो माइनस 14 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके सर. ठीक है. तो अब इससे टी की वैल्यू है. हाँ सर. माइनस 80 कैसे लाते थे? कुछ प्लस माइनस करते थे ना? क्या कह रहे हो? फिर माइनस 80 माइनस 13 टी स्क्वायर और उसको प्लस माइनस करके लाते थे ना. अगर तुमको उसमें एक बार जाके नोट्स रिवाइज करना, ठीक है वो वाले. और अगर तुमको इस शॉर्टकट टेक्निक में दिक्कत हो रही है तो देन व्हाट यू नीड टू डू इज लॉन्ग डिवीजन कर लेना. ठीक है. तो उससे जो क्वेश्चन बनेगा ना वो यही क्वेश्चन बनेगा. आई बात समझ में सबको? बट लॉन्ग डिविजन टाइम कंज्यूमिंग होगा ना? वो तो है यार. तो इसलिए तुमको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. ये सब खुद से प्रैक्टिस से होगा भाई. मतलब मेरा काम क्या है, मैं तो ठीक है टेक्निक सिखा सकता हूँ, दो तीन क्वेश्चन जो है तुमको प्रैक्टिस के लिए करवा सकता हूँ. लेकिन जब तक तुम ऐसे 10 से 12 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम जल्दी फैक्टराइज नहीं कर पाओगे ऐसे शॉर्टकट टेक्निक से, जो भी टेक्निक सिखाई जाती है. तो वो तुमको घर पे खुद से करना होगा टाइम निकाल के. खैर चलो, इतना समझ में आया? ई क्यूब माइनस 5 टी स्क्वायर माइनस 50. ओके सो अब यहां से t की वैल्यू 5 आ जाएगी और यहां से भी t की कुछ वैल्यू आएगी. तो उसको क्या करोगे, x स्क्वायर माइनस 3x के इक्वल पुट करोगे. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का भी शॉर्टकट बताया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होता है. तुम कब ज्वाइन किए? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो मैंने सबको सिखाया है इनफैक्ट. हाँ तुमने कब ज्वाइन किया?
बोलो जेड पनवेल जीरो हाँ जेड पनवेल ए जीरो जीरो एट क्या हुआ अप्रैल में ज्वाइन किया था सर लेकिन आपने क्यूबिक का ही बताया था नहीं मैंने कंप्लीट अच्छा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का नहीं सिखाया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का नहीं सिखाया कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखाया कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखाया सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो 9th 10th में ही सीख लेते हैं उसमें वो ट्रिक आती है हां सर वो एकदम क्विकली कैसे करना है फैक्टर्स वगैरह ढूंढते हैं वो क्विकली करने देखो प्रैक्टिस करना है तो तुम कोई 9th 10th की बुक उठाओ और कम से कम 20 से 25 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लो और प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो फिर स्टेप्स स्किप कर करके कर दोगे मतलब कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है हम लोग भी करते हैं उसी तरीके से लेकिन इतनी बार देख चुके कि अब आदत पड़ गई है लिखने की सो वो तुमको भी आदत डालनी होगी सो व्हाट यू नीड टू डू इज फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इफ यू वांट टू प्रैक्टिस क्विकली सो कम से कम 50 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ले लो अराउंड 50 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ठीक है कोई 9th या 10th की बुक उठाओ अराउंड 50 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लो और उसको खुद से स्प्लिट करना स्टार्ट करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय प्रॉपर प्रोसीजर तो आता है यस सर सर उसमें जब तुम 14 टू 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे फिर उसके बाद स्टेप्स स्किप करके सॉल्व करने की कोशिश करना ओके सो समझ में आया ये क्वेश्चन सबको यस फाइन अब देखो हम लोग आते हैं एक टॉपिक और पढ़ा था उस समय फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम ठीक है फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है यस सर 9th में किया था यस सर किया 9th में किया था ओके तो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम क्यों यूज होता है इट इज यूज्ड सबसे पहले तो रिमाइंडर थ्योरम लिखते हैं रिमाइंडर थ्योरम बताओ क्यों यूज होता है सर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए विदाउट लॉन्ग डिविजन हाँ इट इज यूज्ड टू फाइंड expression of remainder without what long division ठीक है without long division ठीक है तो अब होता क्या है इसको एक बार लिख लो डेफिनेशन लिख लो रिमाइंडर थ्योरम का इट इज यूज्ड टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ रिमाइंडर विदाउट लॉन्ग डिवीजन सर ये वो एफएक्स वाला है क्या हाँ कौन सा वाला एफ ऑफ एक्स वाला हाँ वैसे ही टाइप का लिख लिया डेफिनेशन यस सर लिख दिया ओके अब देखो इसके पीछे की थ्योरी बताता हूं मैं या कंसेप्ट जो भी तुम समझो तो जैसे मान लो कि सबसे पहली बात तो अगर किसी पॉलिनोमियल P1x को दूसरे पॉलिनोमियल P2x से डिवाइड किया P2
P1x से डिवाइड किया P2x से, तो एक कोशेंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 से। तो एक तो तरीका क्या था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये x बन गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे 4x प्लस 3x माइनस प्लस माइनस ये गया, फिर क्या बन गया 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर यहां पे क्या लिखते हैं प्लस 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, फिर माइनस प्लस माइनस ये गया, तो ये क्या बन गया 4x माइनस 8, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे डिवीजन रोक देते थे, इस बात से अग्री करोगे, हम लोग यहाँ पे डिवीजन रोक देते थे। तो हम लोग डिवीजन कब रोक देते थे, जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए। सो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन व्हाट डिग्री ऑफ डिवाइजर, हमेशा रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होती है। ये तो बात क्लियर है सबको। सो अब देखो, जैसे मान लो अगर मेरा डिवाइजर एक लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म मतलब ax प्लस b टाइप का, डिग्री वन टाइप का, तो मेरा रिमाइंडर कैसा आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा मेरा रिमाइंडर। सबको समझ में आ रहा है बात, कॉन्स्टेंट पढ़ा भी है क्या वो सर? ये तो पढ़ा है पहले भी। हाँ हाँ, ये पढ़ाया है मैंने पहले, लेकिन ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक का पार्ट है, तो इसको फिर से हम लोग समराइज करें, क्योंकि ये बेसिकली इस चैप्टर का ही पार्ट है। ओके, अगर डिवाइजर क्वाड्रेटिक होता तो रिमाइंडर कैसा होता, ax प्लस b टाइप का, ठीक है। ax प्लस b में लीनियर भी आ जाता एंड कॉन्स्टेंट भी आ जाता। जैसे मान लो अगर a की वैल्यू जीरो नहीं रखूं तो वो लीनियर आ जाएगा, और अगर a को जीरो पुट कर दूं तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर डिवाइजर क्यूबिक है तो रिमाइंडर कैसा आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bx प्लस c टाइप c। ये कैसे टाइप, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट करता क्या? नो, ये क्वाड्रेटिक भी कर सकता था, ये लीनियर भी कर सकता था, ये कांस्टेंट भी कर सकता था। तो बट लीनियर कैसे, इसमें x की डिग्री 2 है। जैसे मान लो अगर a की वैल्यू 0 पुट कर दो तो लीनियर बन जाता, अगर a और b दोनों 0 पुट कर दूं तो कांस्टेंट बन जाता, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कभी भी हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो नीचे स्पेसिफाई कर देते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0, ताकि x स्क्वायर का टर्म हमेशा बरकरार रहे। इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, बोलो बच्चों। Yes, कुछ बच्चे नए ज्वाइन किए होंगे, उनको ये नहीं पता होगा, माइट भी हो सकता है, शायद मेरे बैच में वगैरह ज्वाइन किए हों तो उनको फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाया। कुछ जो लोग ने अप्रैल में ज्वाइन किया है, दे हैव ऑलरेडी स्टडीड फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो अभी तक हम लोग ने ये सीखा है, क्या सीखा है कि अगर हमारा
डिवाइजर कुछ डिग्री का है तो रिमाइंडर जो है उससे कम डिग्री का होगा. ओके अच्छा, अब एक होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम. सबको पता है डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? यस. तो डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है जैसे p1x इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. ये डिवीजन एल्गोरिदम होता है. इसी को हम लोग शायद 9th या 10th में पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से. कोई भी पॉलिनोमियल को कोशेंट. हाँ क्या हुआ? फैक्टर रिमाइंडर हम वही था. हाँ, किसी भी पॉलिनोमियल को कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं. जैसे इस वाले क्वेश्चन में, जैसे मान लो इसको मैं p1x बोल दूं तो ये dx हो जाएगा, ये कोशेंट x हो जाएगा और ये रिमाइंडर x हो जाएगा. फाइन, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यहां पे अभी हम लोग ने जो रिमाइंडर फाइंड किया वो फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट? लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड किया. अब हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना हमको. तो अब देखो, अब क्या हो रहा है कि आपने ऐसा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि इफ x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू देन फाइंड रिमाइंडर. देन फाइंड रिमाइंडर. तो हम लोग अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन विल बी सेम एस. कोई कोशेंट आ रहा होगा, कौन सा कोशेंट आ रहा होगा वो नहीं पता हमको. क्वेश्चन तो कब पता चलेगा? जब हम लोग एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन करेंगे. इनटू डिवाइजर, यहां पे डिवाइजर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. अच्छा, क्योंकि डिवाइजर टू एक्स माइनस वन रिमाइंडर. अच्छा, क्योंकि डिवाइजर डिग्री टू का है तो रिमाइंडर किस टाइप का होना चाहिए? एक्स प्लस बी टाइप का. ओके, रिमाइंडर किस टाइप का होना चाहिए? एक्स प्लस बी टाइप का. अब हम लोग को क्या करना है? देखो, ये वाला जो क्वाड्रेटिक है इसको तुम स्प्लिटिंग कर लो. एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. अब हम लोग क्या चाहते हैं? व्हाट वी वांट, हम लोग को ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. और ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए और बी में दो इक्वेशन होने चाहिए हमारे पास. इस बात से सब लोग अग्री करेंगे? सर, ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू माइनस वन. अच्छा ठीक है, देखो जिसको नहीं आता उनको एक्सप्लेन कर लूं मैंने. तो अब इसमें तुम क्या कर सकते हो कि ये ना एक आइडेंटिटी टाइप का लिखा हुआ है. यू ऑल मस्ट बी नोइंग की आइडेंटिटी क्या है. मतलब आइडेंटिटी का क्या मतलब? कि जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है सेम एक्सप्रेशन क्या लिखा है? राइट हैंड साइड लिखा है. तो इसमें हम लोग x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए? बोलो क्लास, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. आई कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके,
लेकिन तुम सोचो कि अगर मैं x की वैल्यू से 3 पुट करता तो ठीक है, यहां पे कुछ नंबर आ जाता मेरे पास, लेकिन यहां पे q ऑफ 3 आ रहा होता। अच्छा, q ऑफ 3 हम लोग को नहीं पता कि क्या है। q ऑफ 3 को जानने के लिए हम लोग को क्या चाहिए कि qx का खुद का कौन सा एक्सप्रेशन है, qx किस एक्सप्रेशन को खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम लोग वो पता चलेगा, तब हम लोग को q ऑफ 3 पता चलेगा। सो यहां पे क्या 3 डालने से क्वेश्चन गलत हो जाता क्या? x की वैल्यू 3 डालने से क्वेश्चन गलत हो जाता? No. नहीं, गलत नहीं होता, लेकिन फायदा नहीं होता अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने का, फायदा नहीं होता। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, इसमें हम लोग x की वैल्यू 1 डाल देते हैं। 1 डालने से फायदा क्या होगा कि चलो देखो, जैसे यहां पे 1 - 2 + 1 + 1 आ गया। अच्छा, ये q ऑफ 1 होता इनटू 0 बन जाता, तो q ऑफ 1 कुछ भी हो। वॉइस नहीं आ रही क्या? नहीं सर। सर आ रही है सर, लैग हो रहा है सर, प्रॉपर लैग हो रहा है सर। थैंक्स फॉर आइडिया सर। आवाज आ रही है सर, आ रही है आवाज। अभी अभी आ रही है क्या? यस सर। ओके, तो q ऑफ 1 कुछ भी हो, वो अल्टीमेटली क्या होना है, 0 से मल्टीप्लाई होना है, और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ओवरऑल क्या बनना है? 0 बनना है। तो ये क्या बन गया? 0। और x की वैल्यू 1 वहां पे पुट की तो वो क्या बन गया? a प्लस बी। सर ये आप 1 इसलिए इनपुट किया क्योंकि वहां x माइनस 1 लिखा है, इसलिए ना? हाँ, ताकि ये वाला टर्म 0 बन जाए। ओके ओके, सो इधर से एक इक्वेशन आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब दूसरी बताओ, x की कौन सी वैल्यू पुट करना एडवाइजेबल होगा? 2 पुट करना एडवाइजेबल होगा। 8 - 8 + 2 + 1, अगेन दिस विल बी 0, और वहां पे 2a + b। सो 2a + b क्या आ गया? 3 आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो उससे a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू -1। a विल बी व्हाट? 2 एंड b विल बी -1। अब देखो, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1 है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा? रिमाइंडर इज फ्रॉम ax + b, मतलब 2x - 1। तो अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर रहे होते तो रिमाइंडर हमारा यही आ रहा होता, 2x - 1 एंड में। तो उसके बाद वो साइमल्टेनियस इक्वेशन करके मिल गया ना? हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उससे बी भी कट गया, तो उससे ए की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 2 पुट कर दी तो बी की वैल्यू -1 आ गई। नहीं, यू डोंट हैव टू डू विट लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो द पर्पस ऑफ फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा ना उसका पर्पस। एक सेकेंड सर, बोर्ड कवर सर, तो ये क्या हर वक्त क्वेश्चन 0 हो जाएगा? क्या कह रहे हो? हर वक्त क्वेश्चन, देखो फैक्ट, ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, ये हम लोग के लिए तब हेल्पफुल रहता है जब ये वाली जो चीज है ये फैक्टराइज हो रही हो, जो डिवाइजर है वो फैक्टराइज हो रहा हो, इन दैट केस द रिमाइंडर थ्योरम इज यूजफुल, क्योंकि उससे हम लोग को एक्स की वो वैल्यूज पता चल जाएगी जिनको हम लोग पुट करेंगे, तो उससे क्वेश्चन की वैल्यू 0 नहीं हो रही। कोशेंट, जैसे x की वैल्यू तुमने 1 पुट की तो यहां पे क्या बना? यहां पे बना q ऑफ 1 * 0। नाउ q ऑफ 1 इज नॉट 0, वो और कुछ होगा,
लेकिन वो क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, समझे? यस सर. देयर इज वन लिमिटेशन ऑफ व्हाट फैक्टर थ्योरम, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम का लिमिटेशन है. लिमिटेशन क्या है कि जो हमारा डिवाइजर होना चाहिए फैक्टराइजेबल होना, वो फैक्टराइज होना चाहिए, डिवाइजर जो है वो फैक्टराइज होना चाहिए. आज तूफान आने वाला है, तुम लोग को पता है? सुबह बारिश आए थे ना, सुबह बारिश आए थे. सर बहुत अच्छा, थंडरस्टॉर्म लिखा है, अच्छा आएगा सर, हवा आएगी, थंडरस्टॉर्म आएगा आज रात को, है ना. चलो एक क्वेश्चन और करो, इसको रात करो. यस यस सर. सो यू हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. So if x cube minus 2x square, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, x raised to 4 minus is divided by x cube minus x, then find remainder. चलो इसको करो. तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन देखते हैं. सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. चलो तो देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स रेस टू फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्यू एक्स इनटू ये डिवाइजर. अच्छा डिवाइजर कैसे लिख लिया, एक्स
x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन. और क्योंकि डिवाइजर डिग्री थ्री का है तो रिमाइंडर किस टाइप का होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होना चाहिए. ठीक है, अब हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, देखो x की वैल्यू जीरो पुट कर दी. तो अगर तुमने x की वैल्यू जीरो पुट की तो 1 इज इक्वल टू c आ जाएगा. तो c की वैल्यू 1 आ गई हमारी. हाँ, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1 माइनस टू ये 0, a प्लस बी प्लस सी और सी तो 1 था ऐसे, और ये 1 इसके साथ कैंसल हो गया. समझ में अगर क्या वो चार टर्म्स होते हैं, मतलब वो क्यूबिक में होता है अगर रिमाइंडर, तो ऐसा तो कंडीशन अगर रिमाइंडर हमारा क्यूबिक फॉर्म क्यूबिक के पॉलीनोमियल फॉर्म में आएगा तो उसमें आप मतलब हमें कभी दो से ज्यादा टर्म्स का साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं करना पड़ेगा ना? अगर अगर डिवाइड समझा नहीं, अगर डिवाइजर वो है डिग्री फोर का है, डिवाइजर डिग्री फोर का है, यस सर, तो फिर तो जो रिमाइंडर होगा वो डिग्री थ्री का होगा ना? यस सर. सर मैं पूछ रहा तो हमें कभी साइमल्टेनियस मतलब दो से ज्यादा अननोन्स का नहीं करना होगा या नहीं? जैसे होगा होगा, मतलब जैसे यहाँ पे एक तरीके से तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रहा है. ठीक है, एक तो c इज इक्वल टू 1 आ गया, वो बहुत अच्छी बात है. क्यों? क्योंकि वो x इज इक्वल टू 0 था जिसने सारे को खत्म कर दिया. yes. ठीक है, तो अच्छा फिर उसके बाद हम लोग x की वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं. तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी और c तो 1 था. तो 1 माइनस 1 कट गया, ये 1 1 कट गया, तो इससे a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस 2. अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू माइनस 1 आएगी और b की वैल्यू 1 आएगी. a विल बी व्हाट, माइनस 1 एंड b विल बी 1. सो हमारा जो रिमाइंडर होगा माइनस x पर माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारा रिमाइंडर हो. ठीक है, सबको आया समझ में? सर एक डाउट था. यस सर. हाँ बोलो. सर इसमें हमारे पास डिवाइजर में एक्स फैक्टर था तो हमको जीरो डायरेक्टली मिल गया. एक्स की जगह एक्स माइनस वन होता तो डिवाइजर में क्या, डिवाइजर में x माइनस 1 होता सर x की जगह, मतलब x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 ऐसा, मतलब डिवाइजर ऐसा होता x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 और इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 1. हाँ तो ये मैं सिखाऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में, ये सिखाऊंगा. इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके करते हैं. ठीक है, इसको वी विल बी यूजिंग बाय डिफरेंशिएशन, वी विल बी सॉल्विंग बाय डिफरेंशिएशन इन नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी. सर पहले हम x की वैल्यू 0 अज्यूम की थी या फिर ऐसे x की वैल्यू 0 इसलिए डाली क्योंकि यहाँ पे एक x है ना, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 इनटू समथिंग वो 0 बन जाएगा ना. अच्छा वो हां ट्रिपल इक्वल से इक्वेट किया. ठीक है, तो जो तुम्हारा डाउट है कि अगर यहाँ पे होल स्क्वायर वगैरह हो गया होता या क्या हो रहा होता, वो हम लोग उसके क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. अभी फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट नहीं हुआ है, मिडवे में हम लोग. ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, कल टेस्ट दे दो फिर वेंसडे को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं. बाय सर. सर
बाय 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 थैंक यू सर हाय सर थैंक यू सर बाय सर कोई है नहीं क्या
हाँ